चिकित्सा मामला है। मैं संतोष कुमार वर्मा बोल रहा हूँ। मेरी फर्म जय माँ दुर्गा रोड लाइन्स है, जो कि वहाँ RFC विभाग में रजिस्टर्ड। और मेरा पैसा इन लोग TDS का नहीं दे रहे हैं। अभी 3 महीने पहले पैसा आया, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी। पैसा आ गया लगभग 9,74,000, लगभग 10 लाख रुपये आया। इन लोगों ने, 3 पार्टनर इसमें हैं मुझे छोड़कर, इन लोगों ने मेरा सारा पैसा हड़प लिया। तो मुझे जानकारी मिली वकील साहब द्वारा, पैसा तो आ गया। इन लोगों ने कहा पैसा नहीं देंगे, चाहे जो तुम कर लो। तो ऐसी स्थिति में हमको धमकियां भी दी गई, और यहाँ गुंडा बदमाश भेजकर अपरिचित लोगों से, मैं इनको पहचानता नहीं था। मैंने SP साहब के इसकी रिपोर्ट किया, त्वरित कार्रवाई भी वहाँ से होना शुरू हो गई है। और इसके बाद मुझे खतरा भी है, मैं किसी तरीके से बच बच कर रहता हूँ। मैंने प्रशासन से, पुलिस आई थी मेरे पास, मैंने कहा कि देखिए मेरे लिए गलत है। उन लोगों ने अपना फ़ोन नंबर भी दिया, कहीं कोई भी आपको दिक्कत होगी तुरंत फ़ोन करिएगा, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। इस तरीके से मामला चल रहा है। मेरा 25% शेयर होता है, वो इन लोगों द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जबकि TDS का पैसा ये आता है, TDS वापसी का आयकर विभाग से। इसमें कुछ नहीं करना होता है, लेकिन एक पैसा मुझे नहीं दिया। लगभग 18 लाख अमाउंट होता है ये। कौन कौन लोग हैं इसमें 3 लोग हैं, एक संतोष कुमार तिवारी हैं, एक विशाल जी हैं जो कि उनकी माँ पार्टनर है, लेकिन सारा करता धरता विशाल करते हैं। और एक इसमें पार्टनर सूर्यनारायण गुप्ता है, जो कि बहुत ही गलत किस्म का आदमी है। जब हम लोगों को फर्म मालूम हुआ ये गलत आदमी है, हम लोगों इसको फर्म से हटा दिया। इसने तो इतना बड़ा गुमराह किया कि SP साहब DM द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र भी फर्जी ढंग से बनवा लिया। उसके बाद पुलिस वालों ने कुछ इसकी सूचना मिली, वेरिफिकेशन किया, तुरंत खत्म हो गया। लेकिन इतना दबाव इसका ज्यादा है, इसके ऊपर FIR भी ये होने नहीं दिया अपने दबाव से। ये गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, इसलिए हम लोगों ने उनके फंड से हटा दिया। इन लोगों सिलसिला ही जाए, तमाम दर्जनों केस इनके ऊपर है, एक दो नहीं है। ऐसी सूरत में हम ही प्रशासन से ही चाहते हैं हमारा 25% जो शेयर बनता है, जो पूंजी है, सारा हमें वापस किया करवाया जाए, और इन लोगों के ऊपर FIR दर्ज करवाया जाए, जैसा कि हमने किया FIR।